क्या बोलते हैं इसको, तो बुलेट चला ले पहले। Hey everyone, my name is Nilaksha Gautam and I make travel and fashion related videos. So lately I am focusing more on fashion and styling videos. So last time मैंने जो video की थी, it was about 8 grooming tips that you can include to improve your personal style. So I hope you guys have watched it, and if you have not, I'm linking the card here. Do click on it and watch the video. This might help you to improve your personal style. मैंने Instagram पे एक फोटो पोस्ट की थी जब मैंने वो लास्ट वीक वीडियो डाली थी, एंड उसमें मेरे को 3-4 लोगों ने बोला कि प्लीज रिक्रिएट दिस लुक, दैट इज द रीजन। सो मैंने सोचा कि कुछ चीजें जो मैं अपने पर्सनल मेकअप ट्रिक्स में अप्लाई करती हूँ, मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। मेकअप इज समथिंग यू नो नॉट ईजी, लुक्स ईजी बट इट इज नॉट। मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत ईजी है, जब भी मैं मेकअप करती थी यूज टू गेट केकी, बट देर आर ट्रिक्स टू अप्लाई जिससे आपका फेस बहुत फ्लॉलेस या आपका मेकअप जो लुक आप कर रहे हो, चाहे आप बहुत ही सिंपल मेकअप कर रहे हो, लेकिन इट विल सेट ऑन योर फेस यूजिंग दोज टिप्स। बेसिकली फॉर मी, मैं बहुत ज़्यादा बेस पे फोकस नहीं करती, बहुत ज़्यादा लेयर्स। मेरे लिए मेकअप का मतलब है मेरे जो नेचुरल फीचर्स हैं उनको एनहांस करना। स्टाइलिंग और मेकअप दोनों के लिए ही मैं सिर्फ वो चीज़ें करती हूँ जिनसे मेरी नेचुरल चीज़ें एनहांस हों। सो बेसिकली लास्ट टाइम आई टोल्ड यू मेकअप के लिए आपको यू नो यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू नो दिस पार्ट कि आपका मिनिमल मेकअप अगर आप कर रहे हो, एंड आपको अपना एक फीचर पता होना चाहिए जो हाईलाइट करने से आपका यू नो फेस पे अलग ग्लो आए। न्यूट्रल टोन में सेट है, सारे प्रोडक्ट्स मैंने उसी लुक को ध्यान में रखते यूज किया है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी हाउ दिस लुक टर्न आउट। सबसे पहले बेस से भी पहले हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो बेस है पैची नहीं होता अगर आपकी स्किन एक्चुअली में अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है और हाइड्रेटेड है। फॉर दैट आई एम यूजिंग जॉनसन्स बेबी क्रीम बिकॉज दिस सूट्स माई स्किन। सेकेंडली दिस स्विस ब्यूटी हाईलाइटर, बिकॉज इन दोनों को मिक्स करके जब आप फेस पे लगाते हो तो बहुत ग्लोई एंड डूई स्किन हो जाती है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ये अप्लाई ऑलरेडी कर लिया है, तो इससे काफी अच्छी शाइन आ रही है। बहुत ही लाइट हाथ से आपको मसाज करना होता है ताकि यू नो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में सारा मॉइस्चराइजर। ऑलरेडी स्किन में काफी अच्छी शाइन आ चुकी है, एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेस। फॉर बेस आई एम यूजिंग माई मेबेलिन फिट मी foundation and it's in the shade 320. Okay, the trick here is using very less foundation, or this is my personal choice. Actually मुझे खुद से मेरी स्किन अच्छी लगती है जिसमें you know natural लगे, you know flawless या unrealistic skin मुझे अच्छी नहीं लगती। So normal जो मेरी skin है, just to give it a glow थोड़ा सा apply करेंगे। And I'm using this ब्यूटी ब्लेंडर और पफ और यू नो एज माई सिस्टर कॉल्स इट गुलगुला, सो टू ब्लेंड दिस आउट। बट बिफोर दैट मुझे जो पसंद है, मैं अपने यू नो फिंगर्स को यूज करके पहले थोड़ा सा ब्लेंड ऐसे ही कर लेती हूँ। वन थिंग दैट आई हैव लर्न टिल नाउ इज यूजिंग लेस मेकअप प्रोडक्ट गिव्स यू यू नो मोर फिनिश और नेचुरल लुक। जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा रहे हो यू नो इट टेंड्स टू गेट केकी एंड बहुत ज़्यादा स्किन में इकट्ठा दिखने लग जाता है। सो अभी दिस इज ओके फाइन एंड यू नो इन 10 मिनट्स इट विल सेटल डाउन इन माई स्किन एंड ये नेचुरल लगेगा। सो अभी फिलहाल मैंने हाथ से अपना ब्लेंड कर लिया था, बट नाउ फॉर अ गुड फिनिश आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं एंड कम प्रोडक्ट्स यूज करो। जैसे मल्टीपल वेज में आप लिपस्टिक को यूज कर सकते हो, एज अ ब्लश, एज लिपस्टिक, एज आई शैडो एंड फॉर कॉन्टूरिंग। सारी टिप्स से क्या होता है कि आपका जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो बहुत यूजफुल होती है। सो राइट नाउ आई एम डैबिंग एंड टेक एवरीथिंग विच इज यू नो लेफ्ट इन ब्लेंडर ऑन योर नेक। टेक इनफ टाइम टू ब्लेंड योर फाउंडेशन और योर बेस, बिकॉज अगर आपका बेस बहुत अच्छा और फ्लॉलेस होगा या फिर उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया होगा तो वो आपकी ओवरऑल जो मेकअप होगा ना वो बहुत अच्छा निखर के आता है. नाउ फॉर सेकेंड स्टेप यू कैन एब्सोल्युटली यू नो स्किप दिस स्टेप बिकॉज ये कंसीलर है एंड कंसीलर इज नॉट रिक्वायर्ड अंटिल एंड अनलेस आपके बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं या फिर जैसे डार्क सर्कल्स हैं. अब जैसे मुझे ज़रूरत नहीं है डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए, सो आई विल ओनली बी यूजिंग ऑन द एरियाज जहाँ पे थोड़ा बहुत डार्कनेस है. अगेन फ्रॉम फिट मी, मेबेलिन फिट मी इन शेड 36 गोल्डन. Okay, so for this wax brow look, I have already done a small tutorial on my Instagram. If you wish, you can visit my Instagram account and see that video. इसमें आपको simply क्या करना है, एक you know this actually ये method जो है मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं रनवेज वगैरह पे. सो आप इसमें क्या होता है कि आप वो लोग वैक्स यूज़ करते हैं जिसमें आपका यू नो ब्राउज को सेट करने के लिए. सो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी बटर सोप. दिस इज़ फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल और इसको आपको हल्का सा यू नो वेट करना है एंड देन टेक दिस पुली एंड कलेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ सोप. स्टार्ट कोम्बिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ है या फिर ब्राउ की जो ग्रोथ है यू नो इवन लगेगी एंड काफ़ी आपकी जो ब्राउज की लुक होगी वो डेंसर एंड बुशी लगेगी. तो बेसिकली आपको कोम करना है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड देन टेक दिस पुली एंड देन इवन देम आउट. टेक एन एंगुलर ब्रश और आप कोई भी नो डार्क ब्राउन या फिर जो आपकी थोड़ा सा यू नो नियरेस्ट मैचिंग कलर. आई एम मिक्सिंग you know these two colors, dark brown and black, to fill the rest of the places जहाँ पर मुझे लगता है कि you know I need. And you know in the ends you can take the darker shade so that it can be defined. Now as I told you lipsticks can be used in multiple ways, so this is a Color Essence lip color that I will be using to contour a little bit. So I will not directly apply this क्योंकि क्या होता है कि फिर उससे harsh line दिखती है. So a tip that I learned from Bobbi Brown, so you can apply this. फिर आप अपने हाथ पर हल्का सा इस तरीके से you know you can take a little bit of product and then use again the same damn beauty blender. Blend it here and then start applying it gently. Again for blush I'm using a lipstick and again I'm going to be taking a little bit on my hand क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. यू नो प्रोडक्ट को मैं डायरेक्टली अप्लाई करना नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि स्किन पे बहुत एक पैचीनेस आ जाती है अगर डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो. ओके सो आईज में आई डोंट डू मच. मैं रेगुलर जो मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ या फिर रेगुलरली मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बट आई एम स्टिल यूजिंग ब्रॉन्जर फॉर दिस लुक क्योंकि ये मैंने वीडियो में क्रिएट किया. बहुत हल्के से यू नो आई टेक द ब्रॉन्जर एंड देन आई स्प्रेड इट एवरीवेयर. I don't have to you know think कि मुझे mix करना है, blend करना है. For taking single shade आप कोई भी काजल ले सकते हो and then same brush में ले रही हूँ angular brush. Take a little bit मैं इसको बहुत रफली smudge करती हूँ and it looks good, so I'm gonna be doing the same thing. ऐसे आपको simply आपको कोई भी finger है आप उससे आप एक लाइन बनाओ एंड देन स्मज इट ऑफ. सेम चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. ओके नाउ टाइम फॉर हाइलाइटर. हाइलाइटर मुझे बहुत अच्छा लगता है सो आई एम यूजिंग अगेन द स्विस ब्यूटी लिक्विड हाइलाइटर. ये फर्स्ट टाइम मेरा जो है लिक्विड हाइलाइटर मैंने यूज किया है. टेक अ यू नो स्मॉल ड्रॉप, यूज योर फिंगर्स अगेन. दिस गिव्स यू वेरी नेचुरल शाइन और अच्छा बहुत लगता है सो आई एम यूजिंग दिस. लिप कलर में पहले मुझे आउटलाइन मैं कर रही हूँ मिस क्लेयर की लिप पेंसिल है। Okay, so for lipstick I'm using this Lakme 9 to 5 caramel cut and इसको मैं simply lipstick on my hand and gently So the look is completed, and for final finish, I am using the Swiss beauty fixer. So आपको कुछ इंचेस दूर से अपने फेस पे, you know, you have to spray. Okay, and actually I forgot to apply mascara, so I am using Faces Canada mascara. This is the final look जो है recreate किया था. I hope this is helpful for you. Please do consider hitting the subscribe button because it motivates me. And also do not forget to follow me on Instagram because मैं वहाँ short videos बनाती हूँ. This is how my page looks like and this is my handle. So you can click on the link given in the description to follow me there. So for this video, I hope you like this look, and I don't generally go for doing makeup looks, but I don't know, मुझे Instagram पे request आई, so I thought let's do it, and this might help someone. So कितनी देर लगती है ये makeup shoot करने में? Do hit the subscribe button and do turn on the notification so every time I post a video, आपको एक notification आ जाए और आप मेरी video देख सको. Until then, bye bye. Stay safe, stay home.